नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। हम देश भर के उन लोगों से अपील करते हैं, बिहार के हर दल के लोगों से, कि बिहार को मजबूत और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप सब लोग मेरा साथ दें। 4 तारीख को आप आशीर्वाद देने आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पूर्णिया सीट को लेकर लगातार बवाल जारी है। एक और, जैसा कि आप जानते हैं, राजद ने पूर्णिया की सीट अपने पास रख ली, बीमा भारती को वहां से उम्मीदवार बना दिया, तो वहीं पप्पू यादव अब आग्रह कर रहे हैं लालू यादव से कि कृपया जो सीट है पूर्णिया की वो कांग्रेस के लिए छोड़ दें। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए छोड़ने को कहा है पूर्णिया की सीट पप्पू यादव ने लालू यादव से। अपने इस ट्वीट में पप्पू यादव लिखते नजर आए हैं, देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हो, आशीष दे। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वह गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दे। तो पप्पू यादव ने ये बड़ा आग्रह किया है अब लालू यादव से। तो वहीं पप्पू यादव का इस मुद्दे पर बड़ा बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप ये बयान सुने। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। हम देश भर के उन लोगों से अपील करते हैं, बिहार के हर दल के लोगों से, कि बिहार को मजबूत और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप सब लोग मेरा साथ दें। 4 तारीख को आप आशीर्वाद देने आए और आप आएंगे तो मुझे महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने जबरदस्ती पीठ में खंजर भोंकने का प्रयास लगातार कर रहे और बिना कसूर के हमें हमारे घर से बेदखल करना चाहते हैं, वो सही नहीं है। मधेपुरा की जनता मेरे लिए मेरा गांव और घर है, लेकिन उन्हें पता है कि पूर्णिया मैं उस साल भर से काम कर रहा हूँ। मेरे लिए मधेपुरा हो, सुपौल हो, खगड़िया हो, जो लोग आज बोल रहे हैं कि आप मधेपुरा चले जाइए, कभी कहेंगे सुपौल चले जाइए। आप सुन रहे थे पप्पू यादव को। उन्होंने बताया कि वो नामांकन तो करके ही रहेंगे, हालांकि जो तारीख 2 तारीख थी अब वो 4 तारीख को होगी। 4 तारीख को पप्पू यादव नामांकन करेंगे। यहां तक कहते नजर आए कि जिन लोगों ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है वो ठीक नहीं किया है, वो पूर्णिया से चुनाव लड़के ही रहेंगे, 4 तारीख को नामांकन करेंगे। तो यहाँ तक कह रहे थे कि मधेपुरा की जो जनता है वो उनकी ही जनता है, उनके अपने लोग हैं। पप्पू यादव अब साफ तौर पर आग्रह कर रहे हैं लालू यादव से कि वो कृपया जो सीट है पूर्णिया की वो कांग्रेस के लिए छोड़ दे। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हालांकि अगर राजद पीछे नहीं हटती है तो यह संभव है कि पप्पू यादव को निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ना पड़े और कांग्रेस से उन्हें इस्तीफा देना पड़े। जी हां, आपको बता दें इस पूरे मुद्दे पर पप्पू यादव की क्या प्रतिक्रिया अब सामने आई है, क्या आग्रह कर रहे हैं वो लालू यादव से, ये हमने आपको बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।